नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे मर्ज सेल और वार टेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक डाटा को ओपन कर लेता हूं और मेरे पास एक डाटा है दोस्तों, और यहाँ पर डाटा मैं आपको जैसे मैं टाइप करके रखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैथ छिप गया है, कंप्यूटर छिपा हुआ, इंग्लिश छिपा हुआ, हिंदी भी आपको छिपा हुआ। तो कभी ऐसा आपके पास हो जाए लेटर जो कि अंदर की तरह है, वो आपको आपको ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है और देखिए वार्प टेक्स्ट, इस पर आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको लेटर आपको सभी ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं फिर आपको इस तरह से आपको ऐसा कर सकते हैं, और फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसको फिर पहले जैसा कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, और फिर मैं पहले जैसा ले आया, और इसको एक और से हम लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए एक नोट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए श्रिंक टू फिट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा कि आपको ऐसे ये आपको साइज़ के अनुसार से आपको कर दिया, यानी कि वो क्या कर रहा था, वो आपको फ़ॉन्ट को क्या कर रहा था। दोस्तों, जैसे वार्ड टेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर वार्ड टेक्स्ट है, ये क्या करता था कि ये जो सेल के अनुसार लेटर के अनुसार सबको आपको एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये क्या किया कि जितना फ़ॉन्ट इस जो सेल हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसी में इसको एडजस्ट कर दिया, इसी में इसको भी एडजस्ट ये कर दिया। तो देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह सबको कर दिया। तो अब आते हैं हम लोग मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का हम लोग उपयोग करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं लेटर को। तो मैंने यहाँ पर इसको मैं टाइप कर रहा हूँ, हम यहाँ पर लेटर को टाइप किया, ठीक है ना, और इसको हमको इसे सेलेक्ट किया ऐसे करके, और यहाँ पर देखिएगा मर्ज, यहाँ पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिए, देखिए सारे लेटर यहाँ पर ही, जैसे इसमें जो आपको जो लाइन था इसमें हट गया, अब मर्ज जैसे हो गया आपको, इससे आप यहाँ से भी आपको मर्ज हो गया, और यहाँ से भी आपको इस तरह से बड़ा बड़ा कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी इच्छा आपको, इस तरह से आपको इसको मर्ज आपको इसको कर सकते हैं। तो वापस क्लिक कीजिएगा तो पहले जैसे भी आपको हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज एक्सेस, इस पर हम क्लिक किए मर्ज, इस पर क्लिक किए मर्ज हो गया, इसको पहले जैसे करना होगा, ऑन मर्ज पर क्लिक कीजिएगा तो पहले जैसे हो जाएगा, इस पर क्लिक करिए तो मर्ज एंड सेंटर हो गया, और फिर लास्ट ऑन मर्ज पर क्लिक कीजिएगा तो पहले जैसे आपको ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास ऑप्शन, इसको भी मैं बता देता हूँ, और मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए यहाँ पर से यहाँ इतना जगह लिया, हमको चाहते हैं लेटर यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग देखिए इसके लिए हम लोग काट दिए, इसको सिलेक्ट किए, और यहाँ पर मैंने मर्ज एक्सेस पे मैंने क्लिक करूँगा, तो देखिए आपको लेटर आपको यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर टाइप किए, जितना आप एरिया ले लीजिए, हम चाहते हैं कि ये जो लेटर है यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे मर्ज एक्सेस पर, देखिए यहाँ पर आपको लेटर आ गया, और जो यहाँ पर जो इसको जो लाइन था ये भी आपको हटा दिया, देखिए यहाँ पर भी लाइन आपको नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि मर्ज सेल, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया गौरव, और यहाँ पर देखिए आगे पीछे इतना सेल लिया, हम चाहते हैं कि सब जितना भी बीच का लाइन है वो सब खत्म होकर एक सेल में बन जाए, तो उसके लिए हम लोग करेंगे मर्ज सेल, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से भी आगे पीछे इसको फिर कर सकते हैं, इस तरह से उपयोग कर सकते हैं इसको, और ऑन
ऑन द मर्ज पे सेल पे क्लिक करें तो पहले जैसा आपको हो जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास देखिए, हमने यहाँ पर एक और टैप कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर फिर टैप कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे गौरव कंप्यूटर टैप किया और यहाँ पर इसका कुछ मतलब इसका चेंज कर दिया। अब देखिए, हम लोग एक ऑप्शन पीछे मुझे छूट रहा था, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। मैं चाहता हूँ कि जो हम अभी जो डिजाइन जो बनाए और ये डिजाइन यहाँ पर आप लोग अप्लाई हो जाए, लेकिन ये हम लोग इतना अभी बनाए हैं एक एक क्लिप में हो जाए, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर पर उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं वापस कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करें, इसको हम डिजाइन वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं दे लिए, इसके अंदर जो भी ग्रीन रेड करना चाहते हैं कर लिए। अब इस सेल को हमने क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर बन गया फॉर्मेट प्रिंटर की तरह। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसी तरह से आपका सेल आपको बन जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर आपको कुछ लिख लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पर फिर मैंने लिख लिया, लिख लिया यहाँ पर, लिखने के बाद इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी जो इसका भी अब और चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इस जो हमने आप बनाए डिजाइन यहाँ पर बन जाए, तो इसके लिए हम फॉरन प्रिंटर पर सेलेक्ट करेंगे, फॉरन प्रिंटर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे। देखिए आप कैसा है, आपको बन जाएगा। तो ये आपको मैंने वार्प टैक्स मर्ज एंड सेंटर और ये सब बता दिए, तो आई होप इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे चलेंगे, बताएंगे नंबर वाला। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।